नमस्कार, मैं हूं अंकित शर्मा और चारधाम बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। लगातार हम चारधाम की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं चारधाम बुलेटिन। सबसे पहले केदारनाथ की अगर हम बात करें तो केदारनाथ में आज भी सुबह से लगातार बर्फबारी जारी है और मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले 3-4 दिन तक बर्फबारी जारी रहेगी और मौसम बदलता रहेगा। केदारनाथ में मौसम 2-2 मिनट में बदलता है, इसलिए हमेशा जानकारी को साथ लेकर चले और ज़रूरत पड़ने पर अपनी दवाइयाँ और जो भी ज़रूरी सामान है उन्हें अपने साथ रखें। मेडिकल चेकअप ज़रूर कराएं। प्रशासन की जो भी वार्निंग्स आ रही हैं उनका ध्यान रखें। सोशल मीडिया पे, चाहे वो ट्विटर हो या फेसबुक हो, प्रशासन लगातार यात्रियों से आग्रह कर रहा है और सूचनाएँ लगातार भेजी जा रही हैं, चाहे वो उत्तराखंड पुलिस का हैंडल हो, कि मौसम की जो भी जानकारी है उसको देखकर ही आगे बढ़ें। प्रशासन ने भारी बर्फबारी को देखते हुए भी 1 बजे तक जो है गौरीकुंड में प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि लगातार बर्फबारी के बावजूद भी भक्तों के आने का सिलसिला जारी था और भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए कोई अनहोनी ना हो, प्रशासन ने 1 बजे के बाद गौरीकुंड से आगे बढ़ने पर रोक लगा दी है, तो अपनी यात्रा को ठीक से प्लान करें। इसके साथ अगर बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ में भी बर्फबारी जारी है और अगले कुछ समय तक बर्फबारी जारी रहेगी। एक तरफ पहाड़ में बर्फबारी से ठंड बढ़ रही है, लोगों को मुसीबत हो रही है, वहीं अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो सुबह और शाम को ठंड महसूस की जा सकती है। पूरी तरीके से गर्मी अभी मैदानी क्षेत्रों में भी नहीं आई है और मौसम विभाग लगातार अपना अनुमान साझा कर रहा है कि अगले कुछ दिनों तक कई क्षेत्रों में जो है बिजली और ओलावृष्टि हो सकती है। इसके साथ साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग की एक उपलब्धि भी सामने आई है, अगले कुछ दिनों में 100 वेदर जो यूनिट्स हैं जो वेदर रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे 100 नए स्टेशन जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे, जो कुल 232 स्टेशन ऐसे हो जाएंगे जिनसे वेदर मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी। इसके साथ साथ चारधाम को लेकर जो प्रशासन है वो लगातार अपडेट जारी कर रहा है। आप सोशल मीडिया पे बने रहें और जानकारी एकत्रित करने के बाद ही अपने सफर को प्लान करें। अब तक चारधाम के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो लगभग 2 लाख यात्री पिछले 1 हफ्ते में चारधाम यात्रा के दर्शन कर चुके हैं। अगले चारधाम बुलेटिन में हम आपके साथ जल्द ही आपके सामने आएंगे और आपको चारधाम बुलेटिन की दूसरी सूचनाएँ देंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए उत्तराखंड ताकत।